بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم. मेरे लिए ये बहुत खुशी का मौका है कि मैं एक बार फिर हलका कर्नाटक के अरकान और कारकुनान मर्द और ख्वातीन के सामने फिर हाजिर हूँ और उनके सामने मुताले की अहमियत, ज़रूरत और तरीक़ेकार के मौजू पर मुझे कुछ बातें पेश करने का मौका मिल रहा है। हम सबके इल्म में है कि जमात ने अपने अरकान और कारकुनान और वाबस्तगान के लिए मुताले का एक निसाब तैयार किया है। मरकजी सतह पर भी तरबियती खाका, तस्किया खाका के नाम से वो तैयार किया गया है और हलकों की सतह पर भी मुताले का निसाब तैयार किया गया है। ये जानकर खुशी हुई कि हलका कर्नाटक के शोबे तरबियत में तय करदा निसाब के मुताबिक मुख्तलिफ सतहों के जिम्मेदारान अरकान कारकुनान मर्द ख्वातीन के लिए पिछले 6 माह से हर हफ्ता ऑनलाइन क्लास चलाए गए हैं जिसका आज ये इख्तितामी प्रोग्राम हो रहा है। इस वक्त मैं आप हजरात के सामने मुताले की अहमियत और मुताला कैसे किया जाए इस ताल्लुक से चंद बुनियादी बातें अर्ज करूंगा और जरूरत होगी तो इंशाल्लाह उसके बाद में कुछ सवालात की वजाहत के तौर से भी कुछ बातें पेश की जा सकेंगे। मोहतरम भाइयों बहनों, इंसान और हैवान के दरमियान किस चीज से इम्तियाज होता है? अगर ये सवाल किया जाए तो इसका जवाब होगा इल्म। हैवानात और इंसानों के दरमियान जो खत्ते इम्तियाज है, जो माबेहिल इम्तियाज चीज है, जो दोनों के दरमियान एक वाज़े नुमाया फर्क जो कायम करती है, वो इल्म है। हजारों साल से हैवानात जिस इल्म और शोर के हामिल थे उनमें जरा सा भी फर्क नहीं आया। हैवानात के को जो काम जो सुपुर्द है, जो वो करते हैं, जो शोर की जो जो उनकी जो सतह होती है वो उसी पर अब भी हजारों साल के बाद भी अब भी उसी पर कायम है बाकी। जबकि इंसानों के इल्म में बराबर इजाफा होता रहता है। 5,000 साल पहले का जो इंसान था वो मुख्तलिफ मैदानों में जिस इल्म का हामिल था अब उसमें गैर मामूली इजाफा हो रहा है। हर नया दिन उसमें इजाफा करता रहता है। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि खुद इंसानों के दरमियान भी फर्क मरातिब इल्म के जरिए होता है। यूं तो इंसानों के दरमियान फर्क मरातिब की दीगर सूरतें भी हैं, मालो दौलत, जाहो मनसब, समाजी मुकाम और मर्तबा, ये चीजें भी इंसानों के दरमियान फर्क और तफावत पैदा करती हैं। जिस शख्स के पास माल और दौलत है उसको आला समझा जाता है, एक बर्तन समझा जाता है। जो शख्स जाह मनसब का हामिल है उसको ऊंचा मुकाम दिया जाता है। समाजी हैसियत से भी मुख्तलिफ तकसीमें हैं, कौन आला है, अशरफ है, कौन अर्जल है। लेकिन ये जो तकसीमें हैं, ये मरातिब हैं, ये आरजी हैं। किसी शख्स के पास माल और दौलत है वो उससे छीन सकता है, किसी शख्स के पास कोई ओहदा है वो बाद में उस ओहदे से महरूम हो सकता है,
लेकिन ये इल्म की वजह से जो फर्क मरातिब हासिल होता है वो पायदार होता है। इल्म को किसी इंसान से छीना नहीं जा सकता। जिस शख्स ने कोई इल्म हासिल कर लिया है उससे उसको किसी भी सूरत में कभी महरूम नहीं किया जा सकता। तो इल्म के नतीजे में जो इंसानों के दरमियान भी जो फर्क मरातिब हासिल होता है वो पायदार होता है, देरपा होता है, उसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आ सकती। इस चीज का तस्करा खुद कुरान करीम में भी मिलता है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 9 में है, अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल हल यस्तवी अल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून इन्नमा यतज़क्कर उलुल अल्बाब। ऐ पैगंबर, आप कह दीजिए कि क्या जो लोग इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते हैं वो बराबर हो सकते हैं? नहीं, हरगिज़ वो बराबर नहीं हो सकते हैं। इन्नमा यतज़क्कर उलुल अल्बाब, जो लोग असहाबे अक्ल हैं, असहाबे फहम हैं, वही उन्हीं को याद दहानी होती है। इसी तरह सूरह अल-बकरा आयत नंबर 78 में कहा गया है, वमिनहुम उम्मीयून ला यालमून अल-किताब इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। उसमें से कुछ लोग तो उम्मी हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम है कि किताब अल्लाह की किताब में क्या बातें बयान की गई। वो तो सिर्फ अपने ख्वाहिशात के पीछे पड़े रहते हैं और वो सिर्फ गुमान के पीछे पड़े रहते हैं। गोया कि इसमें, इस आयत में इल्म से महरूमी को मजम्मती अंदाज में बयान किया गया है और उसके मुकाबले में इल्म की अहमियत बयान की गई है, उस पर जोर दिया गया है। इल्म में मुसलसल इजाफा होना चाहिए, ये मतलूब है। चुनांचे कुरान करीम ही में पैगंबर को मुखातब करके फरमाया गया है, वकुल रब्बे जिदनी इल्मा, ऐ पैगंबर आप ये दुआ करते रहा कीजिए कि ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। मोहतरम भाइयों और बहनों, इल्म हासिल करने के मुख्तलिफ ज़राए हैं। मिसाल के तौर से कायनात का मुशाहिदा, हम जहां रहते बसते हैं अपने अतराफ को देखें, उनमें गौर फिक्र करें, तो उससे हमें बहुत सी मालूमात हासिल होती है। कुरान मजीद में कायनात के मुशाहदे पर जोर दिया गया है। ये कहा गया है कि अगर आदमी मज़ाहिर कायनात को देखे गौर करे तो वो अल्लाह ताला तक पहुंच सकता है। जिस ज़ात ने इन चीज़ों की तख्लीक की है उन तक उसकी रसाई हो सकती है। चुनांचे सूरह अल-गाशिया में है, अफला ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت। क्या ये लोग देखते नहीं है कि ऊंट की तखलीक कैसे की गई? क्या ये लोग आसमान को देखते नहीं है कि उसको किस तरह बुलंद किया गया है? क्या ये लोग पहाड़ों को नहीं देखते हैं कि उसे किस तरह जमीन में गाड़ दिया गया है? क्या ये लोग जमीन को नहीं देखते हैं कि उसको किस तरह मुसत्ता बनाया गया है? ये कायनात की मुख्तलिफ चीजों की तरफ इशारा किया गया। ये कहा गया है कि इन चीजों की बनावट में अगर इंसान गौर करे तो जरूर उसके जहन में ये बात आएगी कि इसको किसी एक
कादिर और मुख्तार हस्ती ने उनको वजूद बख्शा है। इसी तरह इंसान जो कुछ तजर्बात करता है उससे भी उसको इल्म इल्म हासिल होता है। इस वक्त में किताबों का मुताला करने के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। इल्म हासिल करने का एक बहुत मजबूत मुस्तकम पायदार एक जरिया है किताबों का मुताला। किताबों का मुताला हम क्यों करें? सबसे पहली चीज है हम अपने जहल और नावाकफियत को दूर करने के लिए किताबों का मुताला करें। दीन के तकाजों से वाकफियत हासिल करने के लिए किताबों का मुताला करें। हम मुसलमान हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि इस्लाम क्या है, उसके बुनियादी अरकान क्या हैं, उसके अकायद क्या हैं, उन अकायद की माकूलियत क्या है, इबादात क्या हैं, इस्लाम की मौशरती तालीमात क्या हैं, इस्लाम ने बाहम इंसानों के आपसी मामलात के क्या आदाब और तौर तरीके बयान किए हैं। जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में इस्लाम ने क्या कवानीन दिए हैं, इस्लाम की अखलाकी तालीमात क्या हैं, इन चीज़ों से वाकफियत के लिए ज़रूरी है कि हम किताबों का मुताला करें। तीसरी चीज़ है इश्कालात और एतराजात के इजाले के लिए भी किताबों का मुताला करें। खुद हमारे जहन में कुछ इश्कालात पैदा हो सकते हैं। इस्लाम ने मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत क्यों दी है? वरासत के जो हकाम है उसमें के बाद सूरतों में औरतों को मर्दों के मुकाबले में कम मिलता है, इसके हिकमत क्या है? तो मुख्तलिफ इश्कालात हमारे जहन में पैदा हो सकते हैं, उन इश्कालात को दूर करने के लिए किताबों का मुताला करें। और खुद हम जिस समाज में रहते हैं दूसरों की तरफ से बाज़ एतराजात आते रहते हैं। तकसीरी समाज में हम रहते हैं, दूसरे मजाहिब के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना रहता है, बसा औकात उनकी तरफ से इस्लाम की किसी तालीम पर एतराज सामने आता है, उनके एतराजात का जवाब देने और उनको मुतमईन करने के लिए भी जरूरी है कि हम मुताला करें। और चौथी चीज ये है कि हम तहरीक से अपने अटैचमेंट में इजाफा करने के लिए भी मुताला करें। तहरीक का मकसद वजूद क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है, तहरीक की तारीख क्या है, हमारे बुजुर्ग कौन कौन हैं जिन्होंने क्या क्या खिदमत अंजाम दी हैं, दूसरी जमातों के जिम्मेदारों की तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से तहरीक के बारे में क्या क्या एतराजात किए जाते हैं, उनका क्या माकूल जवाब है, ये जानने के लिए हम मुताला करें। अगला सवाल है कि हम मुताला क्या करें। इस ताल्लुक से अर्ज है कि हम मुताले का अपना शेड्यूल बनाएं और उसमें मुख्तलिफ चीजें शामिल करें। सबसे पहली चीज है कि हम कुरान का मुताला करें। इसके लिए किसी तफसीर को बुनियाद बनाएं,
उसकी मदद से हम कुरान को समझने की कोशिश करें। ये मुसलमानों का बहुत बड़ा अलमिया है कि वो कुरान मजीद से बहुत गहरी अकीदत रखते हैं, लेकिन फहम कुरान की कोशिश वो नहीं करते हैं। कुरान को बगैर समझे बूझे ज्यादा से ज्यादा पढ़ने को बाएं से सवाब समझते हैं, लेकिन वो इसकी कोशिश मुतलक नहीं करते हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है, उसमें क्या बातें कही गई हैं, कुरान हमसे मुखातब करता है तो हमसे क्या चीजें चाहता है कि हम उन पर अमल करें और वो किन चीजों से हमें रोकता है, ये बातें जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। तो हम तहरीक के वाबस्तगान की जिम्मेदारी है कि हम कुरान का मुताला करें तो तिलावत के साथ साथ तो उसके फहम की भी कोशिश करें। हम ऐसा शेड्यूल अब बनाएं कि किसी भी तफसीर की मदद से जो कुछ हम कुरान पढ़ें तिलावत करें उसको समझने की भी कोशिश करें। दूसरे, हमें हदीस का भी मुताला करने की कोशिश करनी चाहिए। हदीस जो है ये कुरान की शारह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पर अमल करके दिखाया है, दीनी अहकाम की तशरीहात हमें अहादीस से मालूम होती हैं। तो हमें कुरान मजीद के साथ साथ लाजमन हदीस के मुताले का मामूल बनाना चाहिए। हदीस की बहुत जखीम किताबें हैं, उसके बजाय उलमाए कराम ने कुछ मुंतखबात तैयार किए हैं। हमें हदीस के मुताले का आगाज उन मुंतखबात से करना चाहिए। तरीके इस्लामी के मुख्तलिफ उलमा ने भी हदीस की किताबें तैयार की है। मरकजी मकतबा इस्लामी से बहुत सी किताबें शाये हुई हैं, मौलाना फारूक खान साहब की है कलाम नबूवत, मौलाना महमूद हसन साहब की है तर्जमानुल हदीस, डॉक्टर लुकमान नदवी साहब की है तदब्बुर हदीस, अब्दुल गफ्फार हसन साहब की इंतहाबी हदीस, मुख्तलिफ किताबें हैं हदीस की। हमें लाजमन उसे भी अपने मुताले में शामिल करना चाहिए। इसी तरह हमें सीरत नबवी की किताब को भी अपने मुताले में शामिल करना चाहिए। सीरत का मुताला इसलिए भी जरूरी है कि उससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से हमारे अटैचमेंट में इजाफा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को किस तरह कायम करने की कोशिश की, उसकी राह में आपको क्या क्या परेशानियां आईं, आपने उन परेशानियों पर किस तरह काबू पाया। सीरत की किताबों का मुताला करने से हमें ये बातें मालूम होंगी और हमें ये भी मालूम होगा कि हम मौजूदा दौर में आजकल जब इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो हमें इस्लाम में क्या परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों को दूर करने, उनका इजाला करने के सिलसिले में हमें सीरत नबी से रहनुमाई मिलेगी। सीरत नबी के मुताले के साथ साथ हमें सीरत सहाबा का भी मुताला करना चाहिए। सीरत सहाबा के मुताले से आदमी को इंस्पिरेशन हासिल होता है। सीरत नबी के मुताले से तो हमारे जहन में ये बात आ सकती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पैगंबर थे, अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत का इस्मत का वादा किया था। सीरत सहाबा के मुताले से हमें मालूम होगा कि सहाबा कराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथी थे जिन्होंने कि दीन पर अमल करके दिखाया,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अहकाम हिदायत पर अमल करके दिखाया। वो भी हमारी ही तरह इंसान थे, वो कोई मासूम नहीं थे, हमारी ही की तरह के इंसान थे। अगर उन्होंने दीन को अपने जिंदगियों में नाफिस किया, दीन को समाज में नाफिस किया, तो उसी तरह का काम हम भी अंजाम दे सकते हैं। तो सीरत सहाबा के मुताले से हमारे अंदर भी दीन के तकाजों पर अमल करने का जज्बा पैदा होगा। हमें अपने मुताले में फिक्र की किसी किताब का भी को भी जरूर शामिल करना चाहिए, इसलिए कि फिक्र से हमें इबादात के बारे में जरूरी अहकाम और मसाइल मालूम होते हैं। फिक्र में इबादात भी शामिल हैं, मौशत भी शामिल है, निकाह तलाक वरासत के अहकाम भी शामिल हैं। और आखिर में आम दीनी लिटरेचर, इसका भी हमें बराबर मुताला करते रहना चाहिए। उससे हमें एक दीन का वसी और जामे फहम हासिल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इस्लामी हिंद ने बहुत काबिल कदर लिटरेचर पैदा किया है, बहुत अच्छी किताबें हैं जिनका कि दूसरे हलकों में भी एतराफ किया गया है कि आम दीनी लिटरेचर दीन से हमारे अटैचमेंट में इजाफा करता है, हमारे अंदर जोश और जज्बा पैदा करता है, हमें दीन का सही फहम अता करता है। इसलिए कुरान, हदीस, फिक्र, सीरत वगैरह की किताबों के साथ आम दीनी लिटरेचर को भी हमें अपने मुताले में शामिल करना चाहिए। आखिर में मैं चंद बातें याद करना चाहता हूं कि हम मुताला कैसे करें। तो इस ताल्लुक से सबसे पहली बात यह है कि मुताले में लाजिमन तसलसल को पेश नजर रखना चाहिए। ऐसा न हो कि हम जोश में आए तो मुताला दिन रात मुताला कर रहे हैं, मोटी किताब है 200-300 पेज की है, हम मुताला करने पे आए तो हमने उसको 2-3 दिन में पूरी किताब खत्म कर ली, उसके बाद जब फिर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, हफ्तों महीनों कभी कोई किताब उठाने की तौफीक ही नहीं हुई। ये चीज बहुत गलत है, ये हमारे लिए थम कातिल है। हम अपना शेड्यूल बनाएं, हर शख्स के मुताले की रफ्तार अलग अलग हो सकती है, कोई शख्स कम मुताला कर सकता है कम सफात का, कोई शख्स ज्यादा सफात का मुताला कर सकता है। जो भी शेड्यूल हम बनाएं उस पर लाजमन पाबंदी से अमल करें। अगर हमने रोजाना 10 सफ़े मुताला करने का मामूल बनाया है तो लाजमन हम रोजाना मुताला करें, 10 सफ़ा का मुताला किए बगैर हम सोए ना। जो भी हम अपना मुताले का शेड्यूल बनाएं उसको तसलसल से उस पर अमल करना चाहिए। एक हदीस में इस पर बहुत जोर दिया गया है, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास अलैकुम मिनल आमाल मा तुतीकून, ऐ लोगो उतने ही आमाल करो जितने तुम्हारे बस में हो, फइन्नल्लाह ला यमल्लु हत्ता तमल्लु, अल्लाह ताला नहीं उकताता है यहां तक कि खुद तुम उकता जाओ, वइन अहब्बल आमाल इलल्लाह मादूम अलैहि वइन कल्ला, अल्लाह ताला को जो सबसे ज्यादा महबूब अमल है वो है जिसको मुसलसल अंजाम दिया जाए चाहे वो कितना ही कम हो।
इस हदीस में ताकीद की गई है कि कोई भी अमल हम करें उसको पाबंदी से मुसलसल अंजाम देना चाहिए। ये तरीका बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि हम जोश में आए तो खूब मुताला करें, खूब मुताला करें और दो चार दस दिन के बाद जोश हमारा ठंडा हो जाए तो फिर मुताला से ऐसे बेजार हो जाएं कि महीनों तक उसकी नौबत ही ना आए। दूसरी चीज है कि मुताला सुकून से करना चाहिए, उस वक्त करना चाहिए जब हम हालत सुकून में हों। कोई भी वक्त हो सकता है, फजर के बाद हो सकता है, दोपहर में जब हम कुछ देर आराम करते हों तब हो सकता है, रात में सोने से पहले हो सकता है। अपने हिसाब से हम कोई ऐसा वक्त तय करें जिसमें कि हम सुकून की हालत में हों, हमें ज़हनी सुकून भी हासिल हो और हमारे बैरून में भी सुकून, ऐसा ना हो कि शोरगुल हो रहा हो, बच्चे खेल कूद कर रहे हो, उसमें अगर हम बैठ कर मुताला करेंगे तो हमें यकसुई नहीं हासिल हो सकती है। तो हमको अगर हम इस सुकून की हालत में यकसुई की हालत में मुताला करेंगे तो जो कुछ मुताला करेंगे वो हमारे जहन में आसानी से वो नक्श होगा। तीसरी चीज यह है कि हम मरहला वार मुताला करें, नीचे से ऊपर की तरफ जाएं। ये तरीका मुनासिब नहीं है कि जो भी किताब हमारे हाथ में लगे हम उसको और हम उसका मुताला करने लगे। जिस मौजू की भी हम किसी किताब का मुताला कर रहे हों तो हम ये देखें कि हम पहले आसान किताब का मुताला करें, मुख्तसर किताब का मुताला करें, बाद में उससे ऊंचे मेयार की किताब का मुताला करें, उसके बाद में फिर उससे ऊंचे दर्जे की किताब का मुताला करें। मिसाल के तौर से अगर हम सीरत नबवी की किताब की किसी किताब का मुताला करना चाहते हैं, अब तक हमने किसी किताब का मुताला नहीं किया है, तो हम पहले मौलाना अब्दुल्हाई साहब की हयात तैयबा से शुरू करें, उसका मुताला कर लें, तो फिर मौलाना इनायतुल्ला सवाई साहब की जो किताब है मोहम्मद अरबी उसका मुताला करें, उसका मुताला कर लें, तो फिर हम सीरत नबी अल्लामा शिबली और सैयद नदवी या सीरत सरवारा मौलाना मौदूदी की किताब का मुताला करें। अगर हम उल्टी तरतीब से मुताला करेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे। ठीक है, मामला तहरीकी लिटरेचर के मामले में भी अख्तियार करना चाहिए। तहरीकी लिटरेचर की किताबों में भी कुछ किताबें आसान हैं, मुख्तसर हैं, उनका मुताला हमें पहले करना चाहिए। जो मुफस्सल हैं, इल्मी और तहकीकी हैं, उनका मुताला बाद में करना चाहिए। इस ताल्लुक से रहनुमाई के लिए मरकजी सतह पर भी जो तरबती खाका और तस्किया खाका जो तैयार किए गए हैं उसमें भी तहरीकी लिटरेचर को दो या तीन कैटेगरी में तकसीम किया गया है और इसी तरह हलकों में भी जो मुताले लिटरेचर का निसाब जो बनाया गया है उसमें भी मरहलावार किताबों की निशानदेही की गई। चौथा पॉइंट यह है कि हम जो भी मुताला करें उसका इस्तेहजार करने की कोशिश करें। जो भी हम मुताला करें उसके बारे में सोचें कि हमें कुछ याद भी है कि नहीं है। 200 सफ़े की हमने किताब पढ़ ली है, किताब हमने जब ख़त्म कर ली हमें कुछ पता ही नहीं कि हमने क्या मुताला किया है। तो हमें मुताला थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, तवक्कुफ़ के साथ करना चाहिए और जो कुछ मुताला हम करें उसके बारे में हमें उसको उसका आमुख्ता करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमने जो मुताला किया है उसमें से हमको कितनी बातें याद है, कितनी बातें याद नहीं है। इसके बारे में एक बात मैं यर्ज कर दूं कि अगर हमें किताब का मुताला करने के बाद कुछ याद नहीं आ रहा है कि हमने किताब में क्या मुताला किया है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंसान जो कुछ मुताला करता है वो उसके जहन के किसी हिस्से में जाकर महफूज हो जाता है।
और बाद में कुछ दिनों के बाद में जब वो उस मौजू पर गौर करता है तो वो बाद में जरूर वो बातें जो उसने मुताला किए थे याद आ सकती हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और हम तदाबीर इख्तियार करें तो जो कुछ हम मुताला करते हैं उसको याद रखने में आसानी होगी। मिसाल के तौर से नोट्स लेना, हम जो मुताला करें उसके जो अहम बातें हैं, जो अहम निकात हैं, अहम इख्तबासात हैं, उनका नोट लें, उनको अलग से कापी पर नोट करें। इस तरह हम मुताला जब करते हैं अपनी आंखों से और जब हम अहम इख्तबासात को अपनी किसी कापी पर नोट करेंगे तो लिखने से भी चीज़ें मजीद याद होती हैं। तो जो हमें मुताले के दौरान जो इख्तबासात जो बातें अच्छी लगें उसको हमको अलग से नोट करना चाहिए। इसी तरह एक तरीका ये हो सकता है कि अहम पॉइंट्स की निशानदेही हम किताब के शुरू या आखिर में जो सादा कागज होता है उस पर भी हम लिख सकते हैं। फला बात आई है, ये इस पेज पे आई है, तो हम किताब के शुरू में जो सादा कागज है उस पर लिख लें कि फला किताब के फला सफे पर ये फला बात आई। या हम कहीं कहीं जरूरत समझें तो किताब के दरमियान भी मार्कर से निशान लगा सकते हैं। लेकिन ये दोनों बातें अपनी जाती किताब में करना चाहिए। कोई किताब हम लाइब्रेरी से लाए हों तो जाहिर है कि उसका तकाजा है कि हम किताब पर कहीं भी कोई निशान न लगाएं। और पांचवी और आखिरी बात यह है कि हमें बार बार मुताला की आदत डालनी चाहिए। कोई किताब अगर हमने 2-3 साल 5 साल पहले मुताला कर ली है तो हम ये कानून हो जाए करें इस किताब का तो मुताला मैं कर चुका हूं, नहीं, बल्कि खास तौर से तहरीक की जो बुनियादी लिटरेचर है उसका हमें बार बार मुताला करना चाहिए। इससे हमें ताजगी हासिल होती है, हमारा जज्बा मजीद बेदार होता है। मौलाना मौदूदी ने ये कहीं लिखा है कि मैं अपनी लिखी हुई किताबें भी बार बार मैं पढ़ता हूं। तो इसका हमें भी खास तौर से एहतमाम करना चाहिए कि जो तहरीक की जो अहम किताबें हैं जिनसे तहरीक की फिक्र हासिल होती है उन किताबों का एक बार ही मुताला करके रख देना काफी नहीं है, बल्कि उनका मुताला हमें बार बार करते रहना चाहिए। तो मोहतरम भाइयों और बहनों, ये मुताले के सिलसिले में चंद बातें बुनियादी बातें हैं वो मैंने आप हजरात के सामने पेश की हैं। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।